अगर आप भी अपने लैपटॉप या फिर पीसी में ब्लू स्टैक या फिर अदर भी कोई एंड्रॉइड एमुलेटर का यूज करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एमुलेटर और अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसान स्टेप्स में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल एन के यूट्यूब चैनल। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इसलिए आप पूरा जरूर से देखिएगा अगर आप एंड्रॉइड एमुलेटर को अपने लैपटॉप या फिर पीसी में यूज करते हैं। तो गाइज, बेसिकली दो तरीके से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एमुलेटर में अपने लैपटॉप या फिर पीसी से। पहला तरीका है शेयर्ड फोल्डर के थ्रू, जिसमें आप अगर शेयर्ड फोल्डर के अंदर कोई भी डेटा फिल करेंगे वो एमुलेटर में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक होता है डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप मीडिया मैनेजर के थ्रू आप उस डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पे और आपको दिखाता हूं दोनों तरीके की कैसे आप इजिली बहुत ही आसान तरीके से आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे एमुलेटर में अपने लैपटॉप या फिर पीसी से। तो गाइस, मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पे। सबसे पहले मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं कि जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई सा भी डेटा है उसे ट्रांसफर कर सकते हैं एमुलेटर के बीच में। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एमुलेटर को ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ब्लू स्टैक एमुलेटर को यूज करता हूं, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। तो गाइस, हमारा एमुलेटर वो तो ओपन हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप किसी भी फोटो या फिर अदर भी कोई डेटा को आप ट्रांसफर कर सकते हैं एमुलेटर के बीच में। अभी देखिए, एक हमारे पास एक ही फोटो है, इसे मैं एमुलेटर के अंदर इंपोर्ट करूंगा और आपको दिखा देता हूं कि ऑलरेडी ये जो फोटो है वो नहीं है इस एमुलेटर के अंदर। आप देखिए, यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी मैं सिंपली क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस फोटो को एमुलेटर के अंदर ले आता हूँ और आप देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि फाइल इंपोर्टेड टू मीडिया मैनेजर। तो अब जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, आप देखिए फर्स्ट में वही वाली जो सेम फोटो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। ये बेसिकली सबसे आसान तरीका है। अभी मैं आपको दूसरा एक तरीका दिखाता हूँ जिससे आप एक डेडिकेटेड फोल्डर का शॉर्टकट बना सकते हैं अपने लैपटॉप या फिर पीसी के डेस्कटॉप पे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं इसे बैक कर देता हूँ और बैक करने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कहाँ से लोकेट करना है अपने लैपटॉप या फिर पीसी की हार्ड डिस्क से। सबसे पहले आपको दिस पीसी पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपको एक सेटिंग है उसे करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप या फिर पीसी में। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो हिडन फाइल्स, इस पे आप अप्लाई कर दीजिए, ओके करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली सी ड्राइव उसे ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोग्राम डेटा का, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपके एमुलेटर का फोल्डर मिल जाएगा। जैसे ब्लू स्टैक में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंजिन का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे मैनेजर और यूजर डेटा। लेकिन हमें यूजर डेटा जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शेयर्ड फोल्डर का, इसे आप सिंपली ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे न्यू पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे शॉर्टकट का। जैसे आप शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं, अभी सिंपली आपको इस फाइल का जो पाथ है यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे सीधे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद इस शॉर्टकट में जाके आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके जैसे आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो एक शॉर्टकट का जो फोल्डर है वो आपको बन जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, इसे आप यहाँ से डायरेक्टली कट कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप इसे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि हमने जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे बना दिया है। और अगर हम अभी इस फोल्डर के अंदर कोई सा भी डेटा फिल करेंगे वो डायरेक्ट इम्युलेटर में रिफ्लेक्ट होगा। मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसे होगा। जैसे अभी मैं एक इस वॉलपेपर को मैं डायरेक्टली मूव करता हूँ इस फोल्डर के अंदर, तो मैं इसे क्या करता हूँ डायरेक्टली अगर मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद सिंपली इस फोल्डर के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए कि इस वॉलपेपर को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है और अभी मैं आपको एमुलेटर के अंदर जाके दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मीडिया मैनेजर पर क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है विंडोज का। जैसे आप विंडोज पे क्लिक करते हैं, आप देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है BTS शेयर्ड फोल्डर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखिए सेम वही फोटो है वो इंपोर्ट हो चुकी है आपके इस एंड्रॉइड एमुलेटर के अंदर। अभी मैं आपको एक और फाइल्स को वहां पे कॉपी करके दिखाता हूँ। सिंपली आप जैसे कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर अगर आप पेस्ट करेंगे जाके, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने पेस्ट कर दिया है। अगर हम इसे ट्रैक करते हैं जाके अपने इस फोल्डर के अंदर, यानी जो हमने अपने एमुलेटर के अंदर जो BTS वाला फोल्डर है उसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा वीडियो है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यही है हमारा जो वीडियो वो प्ले होने लगा है। तो गाइज, आपने देखा कितने आसान तरीके से हम एंड्रॉइड इम्युलेटर और अपने लैपटॉप या फिर पीसी की हार्ड डिस्क से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसान स्टेप्स में। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप पहली बार देख रहे थे हमारे वीडियोज को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत। Oh, 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 o